क्राइम ब्रांच पुलिसे पेट्रोलिंग दरमियान बापनी आधारे स्पोर्ट बाइक नी चोरी करी रात्रि ने दिवस दरमियान मोबाइल फोन अने चैन स्नेचिंग करनारा बे रीठानी झड़पी पाड़ी आठ गुना नो भेद उकेली काढ्यो छे। क्राइम ब्रांच पुलिस मथक नो स्टाफ पेट्रोलिंग में तो त्यारे पुलिसे बातमी आधारे वराछाना कोबीरनगर पोपड़ानी सामेना बजरंग पानना गला पासेथी रीठा चोर महेश उर्फे रघु बागुल अने श्याम उर्फे आर्यन कांबड़े ने झड़पी पाड्या छे। તેઓ પાસેથી પોલીસે સોનાની ચેઇન તથા મોટરસાયકલ સહિતની મથક કબજે કરી હતી। પોલીસે રીઢાની પૂછપરછ કરતા રીઢાએ સ્પોર્ટ બાઇકની ચોરી કરી દિવસ કે રાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન મોબાઈલ ફોન અને ચેઇનની સ્નેચિંગ કરતા હોવાની કબૂલાત કરી હતી। ધૂમ બાઇક પે જો યે લોગ ઘૂમતે હૈ ઓર જો ઉસ પે ચેઇન સ્નેચિંગ કરતે હૈ ઇસકો અટકાને કે લિયે હમે એક ટાસ્ક દિયા ગયા થા ઉસકો ધ્યાન મે લેકે ડીસીપી સાહેબ એસીપી સાહેબ પીઆઈ ઘાસુરા સાહેબ ઓર પીએસઆઈ સાવલિયા इनकी टीम काम कर रही थी। तो बाइक चेकिंग के दरमियान हमें एक सफलता मिली। दो आरोपी महेश रमेश भाई इंदास बागुल जो मूल नंदुरबार का रहने वाला है, अभी वो गाडोदरा बाजू में डिंडोली सूरत में रहता है, और इसी तरीके शाम उर्फ़ आयरन वो दुलिया का रहने वाला है और अभी सूरत में रह रहा है। ये दोनों को जब पूछपरछ की गई तो पहले तो बाइक चोरी की मिली और फिर फर्दर उनकी बाइक और फर्दर पूछपरछ में पता चला कि ये लोग चेन स्नैचिंग भी करते थे। कुल सात जितनी चेन स्नैचिंग इन्होंने कबूली है, और एक जिसमें से तीन लिम्बायत की है, एक पूना की है, एक अमरोली की है, एक वराछा की, खटोदरा की है, और जो बाइक चोरी थी वो पूना पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है। और इनका जो गुनाहित इतिहास है वो भी पहले ये लोग बाइक चोरी में और चेन स्नैचिंग में पकड़े जा चुके हैं 2019 में, और राजकोट में भी इनके खिलाफ पासा हुआ था, वहाँ भी ये चेन स्नैचिंग में पकड़े जा चुके हैं। और इनका जो एक और सागरिद है जिसका नाम है धर्मेश छेत्तर, वो भी पहले 18 जितने चेन स्नैचिंग गुना में पकड़ा जा चुका है, और 4 महीने पहले वो चेन स्नैचिंग में बड़ौदा में पकड़ा गया और अभी बड़ौदा जेल में सजा काट रहा। हाल पुलिस रीढ़ानी धरपकड़ करी 7 चेन स्नैचिंग और एक वाहन चोरी ने मड़ी 8 गुना नो भेद उकेली काढ़ी, वधु पूछपरछ हाथ धरी छे।